नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है स्थानीय खबरों का। हमारे साथ हैं सरफराज अहमद सिद्दीकी साहब, कांग्रेस के प्रदेश सचिव और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। यहाँ शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने आए हैं और उनके लाइव अचीवमेंट पर यहाँ चर्चा हुई। आइए जानते हैं वो किस प्रकार से श्रद्धांजलि देते हैं। सर, उनकी श्रद्धांजलि का जहाँ तक सवाल है, देश में और दिल्ली को, दिल्ली जो है वो देश की नहीं, पूरे विश्व की जो है वो राजधानी है, और इस दिल्ली को नायाब बनाने में जिस तरह का भी उनका रोल रहा है वह किसी से भुलाया नहीं जा सकता है। तो इससे बढ़िया श्रद्धांजलि क्या हो सकती थी। अमन चैन से लेकर विकास की देवी थी, और दिल्ली के तो लोग कहते थे कि दिल्ली की लाडली, अगर लाडली कोई है तो शीला दीक्षित जी थी। शीला जी को इस प्रकार से याद किया गया कि हर एक जगह मेमोरी है। देखिए, यहाँ पर दिल्ली में इस्लामिक सेंटर की तरफ से किया गया, जिसमें सभी लोग बड़ी तादाद में आए हैं, आपने देखा। तो यहाँ जो कुछ भी कहा गया, मैं समझता हूँ कि उनकी लाइफ पर चार लाइनें ही बोली गई हैं, जबकि उन पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। शीला जी की शख्सियत ऐसी थी कि लोग आमतौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली का बड़ा नुकसान हो गया, कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो गया। मैं मानता हूँ कि ये कांग्रेस और दिल्ली का नहीं बल्कि देश का बहुत बड़ा नुकसान है। उनका मेमोरियल एक जगह बनाया जा सकता है, लेकिन जो दिल्ली में हॉस्पिटल हैं, जो कॉलेज हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं, जो पॉल्यूशन के लिए उन्होंने काम किया है, सड़कें बनाई हैं, जो दूसरे काम किए हैं, वो हर जगह जब निकलते हैं तो याद आते हैं। तो ये थी कुछ स्थानीय खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।